और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। दरअसल एयर इंडिया से जुड़ी ये बड़ी खबर है। अब बता दें आपको कि एयर इंडिया की एक फ्लाइट तिरुचिरापल्ली से शाहजहां जा रही थी और अब जो खबर आ रही है उसकी लैंडिंग गियर में खराबी आई है और पिछले करीब 2 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। बताया जा रहा है कि त्रिची एयरपोर्ट के ऊपर करीब 2 घंटे से लगातार वो चक्कर लगा रही है। इसमें 141 यात्री सवार हैं और त्रिची एयरपोर्ट पर करीब 18 जो एम्बुलेंस है वो तैयार रखी गई है। किसी भी वक्त इमरजेंसी लैंडिंग इस फ्लाइट की, एयर इंडिया की इस फ्लाइट की कराई जा सकती है। बहुत बड़ी चिंता का सबब इस वक्त ये एयर इंडिया की जो फ्लाइट है बनी हुई है। करीब 2 घंटे से लगातार गोल गोल चक्कर एयरपोर्ट के लगा रही है। हालांकि जो मीडिया रिपोर्ट से कुछ बता रहे हैं कि इसमें ईंधन की भी अब कमी होने लगी है और क्या वजह है ये अभी कुछ वक्त में साफ होगा, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी चिंता का सबब इसकी लैंडिंग बनी हुई, चूंकि लैंडिंग गियर बताया जा रहा है कि खराब हो रखा है। अब देखना होगा कि कैसे इस फ्लाइट को लैंड कराया जाता है। 141 यात्री इस एयर इंडिया की फ्लाइट में सवार हैं और अब कोशिशें जारी हैं कि इस जल्द से जल्द इस एयर इंडिया की फ्लाइट को लैंड कराया जाए। तो वह सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि जो एयर इंडिया की फ्लाइट त्रिचुरापल्ली से शाहजहां जाने वाली थी वो उड़ी और उसके बाद उसकी जो लैंडिंग गियर में खराबी आई है, उसके बाद उसे वापस उतरना था लेकिन फिर वो उतर नहीं पाई है। अब करंट अपडेट यही है कि अभी भी लगातार वो चक्कर लगा रही है त्रिची एयरपोर्ट के। कहा जा रहा है कि विमान को सुरक्षित तरीके से उतारने के लिए तमाम जरूरी जो चीजें होती हैं वो एहतियात बरते जा रहे हैं। एम्बुलेंस देख सकते हैं आप, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पर लगा दी गई हैं। त्रिची एयरपोर्ट के ऊपर ही ये फ्लाइट चक्कर लगा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एयर इंडिया के विमान में तकनीकी खराबी आ गई है। तिरुचिरापल्ली से शारजहा ये विमान जा रहा था और देखिए गोल गोल चक्कर लगा रहा है। हम आपको इस मैप के जरिए भी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जो ये हरे रंग का जो आप देख सकते हैं, ये एक आकृति जो बनी हुई है, ये दिखा रहा है कि ये प्लेन इसी रूट पर बार बार चक्कर लगा रहा है। फ्यूल खत्म करने के, दरअसल ये चक्कर बार बार लगाए जा रहे हैं इस प्लेन की ओर से। एयरपोर्ट के ऊपर ही मंडरा रहा है, वहां फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगा दी गई हैं, वहां पर जो एम्बुलेंसेज हैं वो लगा दी गई, डिप्लॉय कर दी गई हैं। करीब 140 पैसेंजर्स इस प्लेन में सवार है। तो शारजहां जा रहा था ये प्लेन और अब करीब 2 घंटे का समय हो चुका है जब ये एयरपोर्ट के ऊपर ही चक्कर लगा रहा है। ये टेक्निकल ग्लिच आ गया है, हाइड्रोलिक फेलियर ये हुआ है, पायलट की ओर से इन्फॉर्म कर दिया गया था और उसके बाद से ही अब ये फ्यूल खत्म करने के लिए ऊपर ही आसमान में चक्कर लगा रहा है। 2 घंटे का समय हो गया है, लैंडिंग गियर में ये ग्लिच आया है, खराबी हुई है, उसकी वजह से ही ऊपर आसमान में ये चक्कर लगाने को मजबूर है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये महत्वपूर्ण तस्वीरें, हवा में चक्कर काट रहा है। इसके अलावा जो वहां पर तैनाती आप जमीन पर देख सकते हैं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगा दी गई हैं और साथ ही एम्बुलेंस भी यहां पर डिप्लॉय की लगा दी गई है, क्योंकि किसी भी हालात से निपटने के लिए यहां पर भी पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। एयरपोर्ट के आसपास ही जो ये पूरा प्लेन है वो चक्कर लगा रहा है। त्रिची एयरपोर्ट हाई अलर्ट पर है, इमरजेंसी टीम है वो तैनात कर दी गई है। शारजहां ये विमान जा रहा था और अभी एम्बुलेंस और बचाव दल मौके पर मौजूद है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।